बीच आपको बता दें, इसराइल हमास युद्ध के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी द्वारा कहा गया है कि जंग किसी के हित में नहीं है, आज दुनिया संकट से जूझ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रिएक्शन, ये प्रतिक्रिया, उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ है, साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। तो जिस तरीके से युद्ध चल रहा है, आपको बता दें इसराइल और हमास के मध्य जो युद्ध चल रहा है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जंग किसी भी देश के लिए या किसी व्यक्तिगत के लिए ये सही नहीं है, किसी के हित में नहीं। और क्या कुछ कहा पीएम ने, वो भी सुनते हैं। फ्रेंड्स, दुनिया के अलग कोनों में जो कुछ भी घट रहा है, उससे आज कोई भी अछूता नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंटेशन से आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। इन संकटों से भरी दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है, साथ आगे बढ़ने का समय है। यह सबके विकास और कल्याण का समय है। हमें वैश्विक विश्वास के संकट को दूर करना होगा।